जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सीनियर लाडलू लाडली, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आप सबके लिए उम्मीदों से भरा हुआ है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका एसएससी जीडी 2023 वाला पेपर ज्यादा अच्छा नहीं गया, यानी जो पेपर अभी चल रहे हैं जिसकी फाइनल डेट 7 मार्च है। जिन बच्चों कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां कर दी, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, उन सब के लिए, उनको खुद को भी लगता है, मेरे पास में भी कई बच्चों के कॉल आ चुके हैं, सर हमारा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ या हमारे नंबर कम बन रहे हैं, जितनी आपका टॉप का अनुमान लगा रहे हैं उससे तो हमारे काफी कम रह गए। तो उन सभी बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलिए 160 में से इस बार आप 100 नंबर तक पहुंचे और आपको मैंने जो कट ऑफ बताई है या जो एसएससी कट ऑफ जाने के चांसेस है, आप बोलते हो सर जी 130 के आसपास जाएगी, हमारे नंबर 100 है, हमारा तो फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। उन बच्चों को बता दूं कि आप ये सोचिए ना कि आप 160 में से 100 तक आ गए, अब आपको केवल 30 नंबर की और तैयारी करनी है। भाई अगली बार हम ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ माने तो हो सकता है 30 के बजाय 33 चली जाए, 3 अंक और ऊपर जा सकते, इससे ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो 33 नंबर और बढ़ाने की तैयारी करनी, जब हमने 100 की कर ली है तो 33 की और। और आप सबको बता दूं अगस्त वाली जो वैकेंसी है, अगली जो वैकेंसी है वो भी अगस्त के माह में, ये पहले से जारी हो चुका, कई बच्चों को नहीं पता, कई बच्चे बार बार पूछे अगली वैकेंसी कब आएगी। अरे एसएससी जीडी का कैलेंडर बहुत पहले से लॉन्च हो चुका था, उसमें बता दिया था कि अगली वैकेंसी कब होगी, अगस्त के माह में होगी। कब होगी भाई? अगस्त के महीने में एसएससी जीडी की अगली वैकेंसी होगी। अब एक आपके मन में यह संशय रहता सर ये कितने पदों पर होगी, क्योंकि या तो उम्मीद है 50,000 पदों पर या होगी 25,000 पदों पर। तो देखो हम अगर इस समय ये सोचेंगे कि कितनों पदों पर होगी तो फिर तो हमारे लिए तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। कि मैं आपको बताऊं ये 50,000 पदों पर होगी और जब नोटिफिकेशन आए उसमें मान लो 25,000 पदों पर आ जाए तो आप बोलोगे और सर आप तो 50,000 बता रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं 25,000 पदों पर और ये 50 पर आ जाए, एसएससी जीडी का ऐसा है। देखो होता क्या है कि उस समय पीएमओ ऑफिस उनको कितनी परमिशन करता है कि कितनी सीटें आपको खाली रखनी है और कितनी फिल करनी है। वैकेंसी के बारे में पिछली बार भी एक नोटिस हुआ था जिसके लगभग बताया जा रहा है कि 1,54,000 से ज्यादा पद एसएससी जीडी में खाली है, उनमें से अगर हम 25,000 इस बार वाले कैंसिल भी कर दें तो भी एसएससी जीडी में इस समय यानी पैरामिलिट्री फोर्स में 1,27,000 के आसपास पोस्टें खाली है। उसमें एसआई और मिनिस्ट्रियल की अगर हम निकाल दें ऊपर की 27,000 तो भी 1,00,000 से ज्यादा पद इस समय खाली है। लेकिन वो पद खाली है उसमें से सरकार फिल कितने करती है हर साल वो सरकार पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये ऑल इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में वैकेंसी होती है तो इसकी ज्यादा चांस है। आज तक मैंने एसएससी जीडी की 25,000 से नीचे तो कोई वैकेंसी देखी ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि ये वैकेंसी 25,000 से ऊपर पदों पर ही आएगी, हो सकता है 30 पे आए, 35 पे आए, 40 पे या 50 पे आए, लेकिन अच्छे पदों पर आएगी। तो इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको इसी समय एसएससी जीडी अगस्त वाले को टारगेट बना के और तैयारी करनी चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे वो बोलने चाहिए कि इस बार तो इसका सिलेक्शन पक्का है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। निराश होने की जरूरत नहीं है, पेपर खराब नहीं हुआ है, आपने मेहनत कम करने का आपको मौका मिला या कम हुई है तो मेहनत को बढ़ा दीजिए, अगली बार तो सीट पक्की करिए। और जब आपको क्लियर है कि अगस्त में वैकेंसी आनी आनी है, मैं आपको बताऊं अगस्त से पहले आ सकती है लेकिन अगस्त के बाद नहीं जाएगी, यह भी क्लियर है आपके पास में। अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का समय है, बढ़िया से खींचिए मीटर और फाइनल कर लीजिए अपना सिलेक्शन। इसीलिए हमने 15 मार्च से एसएससी जीडी 2024 वाले का गारंटी बेस शुरू कर दिया है। तो अगर आप गारंटी बेस में आते हो 100% है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो जो भी बच्चे जिनसे घर पे तैयारी नहीं हो रही, जिनका पेपर खराब हो रहा है, वो अकेडमी आ सकते हैं। ध्यान रखना हमारी अकेडमी बाकी अदर अकेडमी में काफी डिफरेंस है, हम पेपर को मेन लेके चलते हैं, हमारे मोस्टली मेन जो चीज रहती है वो रहती है पेपर, और पेपर के बाद भी हम कराते हैं फिजिकल की तैयारी। हम फिजिकल की तैयारी केवल उन्हीं बच्चों को कराते हैं जो पेपर क्वालिफाई होते हैं, जो बच्चे पेपर क्वालिफाई नहीं होते उनको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की तैयारी कराते हैं, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि आप पेपर में पास हो। तो इसलिए दूसरी अकेडमियों से हमारी फीस का कंपेरिजन ना करें, क्योंकि अगर हम फिजिकल की तैयारी करें तो सीधी सी बात है फीस हमारे भी फिजिकल बच्चों की कम है, लेकिन अगर आप रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं वो भी 100% नौकरी पाना चाहते हैं तो आप फीस भी आपके लगेगी, तो उसका कंपेरिजन ना करें। लेकिन हाँ ये शर्त है कि 5 महीने अगर आप अकेडमी में तैयारी कर लिए, 5 अच्छा महीने और पेपर तक आप रुक गए तो आप पेपर पास ही करोगे अगर इस समय आ जाते, गारंटी है मेरी, ठीक है। जय हिंद जय भारत।